आज की कक्षा में हम भिन्नों का गुणा और भाग सीखेंगे। कुछ प्रश्न लेते हैं। मेरे पास प्रश्न है 3/4 गुणा 6/7। तो देखिए बेहद आसान है। जब हम भिन्नों का गुणा करते हैं तो जो अंश है उनका एक शान गुणा और हर का एक शान गुणा, मतलब 3/6/4/7 इस तरह से। अंश अंश का गुणा एक शान, हर हर का गुणा एक शान। अब इनका गुणा कर लीजिए, 6×18 × 7×28 यह होगा हमारा आंसर। भिन्नों का गुणा बेहद आसान है। एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ 7/8 × 3/6 तो यहाँ भी हमें वही करना है, 7/3 अंश और अंश का गुणा और 8/6 गुणा कर लीजिए, 7×21 × 8/48 यह हो गया भिन्नों का गुणा। अब हम चलते हैं भाग की ओर। हमारे पास सवाल है 1/2 × 3/5 ठीक है, तो लिखते हैं 1/2। अब भाग के सवाल में हमें भाग नहीं करना है, इस भाग को हम गुणा में बदल लेते हैं ठीक है। और जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो यह बदल जाएगा, जो 3/5 है वह हो जाएगा 5/3। अब यह भिन्न के गुणा का सवाल हो गया, गुणा कर लीजिए, 1/5/2/3 और 5×5 × 3/6 तो यह होगा हमारा आंसर। एक और सवाल लेते हैं, 3/5 × 6/7 तो यहां भी हम इस भाग को गुणा में बदल लेंगे, 3/5 गुणा कर लेते हैं और गुणा करेंगे तो इसकी जगह बदल लेते हैं, हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में, तो यह हो जाएगा 7/6। अब अंश और अंश का गुणा, तो 3/7 और बटा हर और हर का गुणा 5/6 गुणा कर लीजिए, 7×21 × 5/3 तो यह होगा हमारा आंसर। तो यह रहा भिन्नों का गुणा और भाग। कुछ और सवाल आप लीजिए और उन्हें हल करने का अभ्यास कीजिए।